गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 एंड इन दिस चैप्टर एक्सरसाइज 6.3। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। आंसर चेक कैसे करते हैं? इन अवर लास्ट वीडियो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आंसर को कैसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? तो क्वाइटेंट आता है, वो डिवाइडेंट, क्वाइटेंट एंड जो क्या होता है, डिवाइजर होता है, क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर। क्वाइट जो डिवाइजर होता है आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वाइटेंट एंड प्लस रिमाइंडर। इक्वल टू आपके क्या होना चाहिए? डिवाइडेंट होना चाहिए। डिवाइडेंट, ठीक है। तो आप इसी कह सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 354 डिवाइडेड बाय 11। तो डिवाइड करने को सबको आता है, ठीक है। देन 354 डिवाइडेड बाय 11। 11 थ्री जा 33। 11 थ्री जा 33। क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 2। देन ये 4 यहां पर आपका आ जाएगा। देन 11 टू जा 22। 11 टू जा 22 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा। 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब चेक योर आंसर। Thank you.
8, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 5 जा 45 ओवर 46, देन देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी एनएचएस और जो आपका आरएचएस है वो क्या है, इक्वल है। इट मींस जो आपका डिवाइड, जो आपने डिवाइड किया है वो क्या है, एकदम राइट है। तो ये समझ में आ गया होगा और डिवाइड करने पे आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सी 134 डिवाइडेड बाय 16, 134 डिवाइडेड बाय 16, की टेबल आती है, क्रॉसओवर ही आती होगी। तो 16 की टेबल बढ़ते हैं, 16 बन जाए 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64 एंड 16 फाइव जा 8 टाइम्स हो गया। जब आपने इसको क्या करा, सबट्रैक्ट करा तो 6 आपका रिमाइंडर आ गया। देन चेक योर आंसर, प्लस 6 इक्वल टू 134। तो 16 एट जा 128 प्लस 6 इक्वल टू 134, ये हो गया आपका 134 इक्वल टू 134। क्या हो गया, एकदम इक्वल है। तो आपका आंसर क्या है, राइट है। अब जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड एल, इट्स योर होम असाइनमेंट। क्या है आपका होम असाइनमेंट, ये आपको इस क्वेश्चन नंबर होमवर्क में कर रहे हैं आपको, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की। 6.3 कंप्लीट हो गई, अब पढ़ते हैं 6.4। इसमें है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन अ जू देयर आर 84 इनक्लोजर, there are a total 5040 hippos in the zoo and each enclosure has an equal number of hippos. How many hippos are there in each enclosure? Means क्या है, एक zoo है जिसमें enclosure कितने हैं, there are 84 enclosure. Means क्या है, एक कुल chamber है जिस 84 chamber है, there are a total of 5400 hippos in the zoo. और total कितने हैं, 5040 hippos हैं in the zoo and each enclosure has an equal number of hippos. तो क्या है, सब जो जितने chamber हैं उनमें equal ही यानी बराबर बराबर hippos को क्या करा है, divide कर दिया गया, रखा गया है। तो how many hippos आप दिया है ईच इंक्लोजर, तो बताना है कि प्रत्येक चैम्बर में कितने हिप्पॉन्स होंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 84 से 5040 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अब आता कैसे, देखिए देयर आर
just in the zoo. Equal to 84. 84 enclosure है, okay? And there are a total hippons. अब आ जाता है hippons. In the zoo. One bag.
ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। नटी बॉल कैंडी इक्वल टू 14,560। नानी नटी ने क्या करा है, कैंडीज खरीदी कितनी 14,560। सो सी डिवाइडेड द कैंडीज इक्वली इन 28 बैग्स। सी डिवाइडेड कैंडीज इनटू 28 बैग्स में उसने क्या करा है, कैंडीज को डिवाइड कर दिया है। तो अभी बताना है हाउ मेनी कैंडीज प्रेजेंट इन वन बैग। तो हाउ मेनी कैंडीज आर, हाउ मेनी कैंडीज आर देयर इन वन बैग, ये आपको क्या करना है बताना है। तो ग्रैंड सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा आपका 28,15,14,560। यानी 14,560 को क्या करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 28,5 आपका रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 60, देन 28 2 56, इट मीन 0। सो देयर आर 520 कैंडीज इन वन बैग, या ईच बैग बैग्स हैव 520 कैंडीज। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाले आपके क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क कौन सा हो गया, 3